रही है यार, ले और दूसरी ट्रक। और रे यार देख रहे हैं विनोद, हाँ कितना झटपट रेडी हुए हम, हाँ फटाफट रेडी भाई। लेट उठे थे, हाँ बहुत ज़्यादा लेट उठे थे, 11:30 बज रहे हैं और उसके बाद फटाफट रेडी हो गए क्योंकि नहाने वहाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है भाई अपने को। सौरभ भाई अभी नीचे गए हुए हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वेकफास्ट शायद करने गए हुए हैं या तो पता नहीं नीचे गए हुए हैं। तो अपन मैंने कहा कि भैया जल्दी जल्दी फटाफट नए नए कपड़े डाल लो क्योंकि आज हम जा रहे हैं सूरत। सूरत जाने का प्लान हमारा सबसे पहला था और सबसे कन्फर्म प्लान था क्योंकि अविनव भाई ने बोला भाई गुजरात में अविनव भाई के बिना एंट्री नहीं हो सकती, ऐसा अविनव भाई सोचते हैं। लेकिन मैं नहीं सोचता, दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगा, एमपी का रास्ता भी महाराष्ट्र जाने के लिए। मैं तो ये ट्रिप का प्लान ही इसलिए बनाया क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े लिए थे, मैंने कहा घर पे पहनूंगा अच्छे नहीं लगेंगे, ट्रिप पे पहनूंगा ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये फटाफट रेडी होते भैया, जूता शूता निकाल लिया, जूता शूता डालेंगे, आज जूता डालेंगे क्योंकि बारिश नहीं हो रही भाई। कल मैं ना ऐसे नॉर्मल वाले शूज डाल के क्योंकि अपनी ड्राइव बहुत लंबी थी, आज हम डालेंगे ये वाले जो अनकंफर्टेबल है। जिंदगी में कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल दो अलग अलग चीजें होती है। जी मस्त तरीके से रेडी, बाल बाल झाड़ लिया, अब सब सौरभ भाई का वेट है, सौरभ भाई आएंगे। बैग वैग सब पैक कर लिया, मेरा बचा हुआ है बस, फटाफट इसको उठाओ, बहुत बार तो ये भूल जाता हूँ मैं चार्जर। हाँ ये भैया सबसे ये ले चलो, क्या ये तो इनका है, सुनो चाहिए क्या ये वाला, ये तो छोड़ के तो नहीं गया। देखो भाई अगर तुम्हें व्लॉग में ये दिखे तो वरना हमने ले गए, नहीं दिखे तो वरना हम चलने छोड़ दिया, अभी मूड बनाएंगे। आइए आपका इंतजार था। कितने के पराठे, अरे इतने महंगे पराठे कितने महंगे हैं, अरे बहुत महंगे भैया, टॉवल वाल ले चलना है, ले लो ले लो भाई। इनका स्प्लिट एसी नहीं है ना, तो स्प्लिट एसी गायब करता मैं, टीवी थोड़ा बड़ा हो गया ना, हमने सामान भेज दिया। नए ऑफिस में अच्छे लगे, अभी कर लेंगे अपना होटल बुक क्योंकि आज हम जा रहे हैं सूरत और सूरत में हमारा होटल बुक नहीं है। अब अपने होटल के बुकिंग के लिए मैं यूज करता हूँ वीगो क्योंकि वीगो मेरे को बेस्ट साइट चेक करके बेस्ट रेट देता है। तो भाई ऐसा दिखता है कुछ वीगो का इंटरफेस, यहाँ पे मैं जाता हूँ होटल्स में, होटल्स में सूरत 7 से 10 और यहाँ पे कर देता हूँ सर्च होटल। वीगो मेरे को मल्टीपल साइट चेक करके होटल के बेस्ट रेट दे रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस मेरे पास आगे, पहले यहां पे होटल अपना सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे अपने को ये होटल समझ में आया तो ये होटल के देखो अलग अलग साइट पे अलग अलग प्राइस है। यहां पे ईज माई ट्रिप पे मैं जाता हूं क्योंकि लोएस्ट प्राइस है, वीगो मेरे को ईज माई ट्रिप पे रीडायरेक्ट करता है और वहां से कर लेता हूं मैं इसकी बुकिंग। होटल फ्लाइट इवन ट्रेन टिकट्स की बुकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं वीगो क्योंकि वीगो आपके 2 बचाता है। वीगो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, अगर आप वीगो ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो ऐप को अपडेट करना मत भूलना ताकि ट्रेन वाला ऑप्शन भी आपके ऐप में रिफ्लेक्ट होने लगे, 2 बचे तो क्या माड़ा है भाई। अभी पता चल रहा है कि कल काफी सारे भाई लोग नीचे आए थे, लेकिन पता है क्या, मैं सोचा था कि यहाँ पे मानिक चौक है वहां पे जाऊंगा, लेकिन मैं इतना थका हुआ था ना, 1000 किलोमीटर 16 hours की ड्राइव, मैं सोया और सुबह मैं ब्रेकफास्ट था हमारा, सुबह ब्रेकफास्ट था, सौरभ भाई तो नीचे बफे में फ्री वाला जो ब्रेक, फ्री नहीं हमने उसके पैसे दिए थे, मैंने यहाँ यहाँ तो मैंने पता है क्या 1000 रुपए के 2 खाए क्योंकि मैं उठा ही नहीं यार, मैं 11:30 उठा एडिटिंग कंप्लीट करके सोने का, 11:30 आओ भगले यहाँ से भगलो, अरे दूसरा भी काट दिया। मैं अभी बोल रहा था ना कि होटल वालों ने मुझे बोला था कि सुबह बहुत सारे, इनफैक्ट रात में बहुत सारे लोग, जय श्री राम जय श्री राम। कितने बजे, ऑलमोस्ट 12:40 दोपहर में निकल रहे हैं, बट अभी ना अगले 3-4 ना अपने को सुबह सुबह निकलना पड़ेगा, तो यहाँ से अपने लगा दिया सूरत की डिस्टेंस। सूरत का डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है अपने होटल को, होटल हमने ऑलरेडी बुक कर लिया था, अब यहाँ से सीधे सूरत निकलते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं, तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। ट्रिप का जो एक्चुअल फन है ना वो एक्चुअली स्टार्ट होगा कल से क्योंकि कल हम इतने ताबड़तोड़ लोकेशन पे जाने वाले ना, इतने ताबड़तोड़ जिसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। अब देखो एक्साइटमेंट तो ना जितनी है ना, अगर वेदर उस पर ना साथ दे देना तो कसम से जो आपको देखने को मिलेगा ना, आप भी बोलोगे विकास भाई कुछ दिन तो गुजारी है गुजरात में। किलोमीटर्स ऑफ एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे NE1, नेशनल एक्सप्रेसवे 1, मतलब अहमदाबाद को वडोदरा से कनेक्ट करता है और रोड्स मजेदार है भाई, मतलब कोई टोल नहीं देना पड़ेगा, मतलब एक बार हमने दिया और जब एग्जिट करेंगे तब, और उसके बाद हम नेशनल हाईवे 48 पे मिल जाएंगे भाई, जबरदस्त रोड। बस यहाँ पे बीच में झाड़ी जंगल लगा हुआ है, सामने की गाड़ियाँ नहीं दिखती हैं, रात के समय में अगर आप यहाँ पे ड्राइव करें तो आपको लाइट से परेशानी नहीं होती है। बाकी इस रास्ते में आपको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा तो वो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 90 किलोमीटर रपारप 1 में कवर कर लोगे। That's right, one's right to find, one's right to
फाइनली एग्जिट कर लिया वडोदरा एक्सप्रेसवे को, मतलब वडोदरा अहमदाबाद वडोदरा टोल अब आएगा यहाँ पे, एक्सप्रेसवे खत्म और वापस से हम चढ़ गए जी NH 48 पे। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई वडोदरा सिटी नहीं मुंबई, सीधा एक्सप्रेसवे एग्जिट। इतना मजा एक्सप्रेसवे पे चला के आ रहा था ना, यहाँ पे हमें ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये जो रास्ता है ना सीधे मुंबई को कनेक्ट करता है, बहुत सारे पोर्ट्स आते हैं बीच में, दमन दीव वाला पोर्ट भी रहता है, वापी भी रहता है, भरूच वगैरह भी आता है, तो यहाँ पे ना ट्रक का ट्रैफिक काफ़ी रहता है। प्लस यहाँ पे हमें अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएगा जस्ट इन केस अगर हमें कुछ खाना खाने का मन किया। फिलहाल तो टाइम हो रहा है 2:12 और अभी तक तो भूख नहीं है, 12 निकले, 2 में कहाँ भूख लग जाएगी भाई, 1000 का पराठा खाएं, अभी तो निकलने में पचने में भी टाइम लगेगा, 1000 का पराठा थोड़ा पचने में टाइम लगता है ना, उसमें बाइल जूस ज़्यादा डालना पड़ता है भाई। और जिस चीज का इंतजार था ना, बारिश, फाइनली झमाझम रेन। मैं बहुत टेंशन में था भाई, मैं सच्ची बता तो मैं बहुत टेंशन में था। 1200 का वाइपर लगवाया था, मैंने कहा पैसे वेस्ट ना चले जाए, मैं तो वॉशर फ्लूइड मार के चला रहा था ना कि 1200 लगने चाहिए कि हाँ सही लगवाया है ना, अच्छा लग रहा है यार, दिल गार्डन गार्डन जैसे होता है ना, दिल एकदम वेट वेट सा हो गया है ना। देखो सामने कूड़े का पहाड़ है, दिल्ली की याद आ गई ना, वडोदरा में आई दिल्ली की याद। ओ भाई यहाँ पे ना अब सीधे जाएंगे, यहाँ पे एक रास्ते में ना कॉफी वाला शॉप है, हाँ वो सामने भाई दिख रहे हैं, इन्होंने दिखाया था हमें लास्ट टाइम वो कॉफी वाला शॉप, तो इनको जैसे मैंने देखा मैं बचा गया, अरे ये तो वही भाई है जिन्होंने हमें कॉफी वाला शॉप दिखाया था। आज भी मैं ना इको मोड पे चला रहा हूँ और देखो जो अपना अभी एवरेज आ रहा है वो 13 का आ रहा है, 13 का एवरेज निकाल रही है गाड़ी, मैं कहीं भी 80-90 इस टाइप से बढ़ाया ही नहीं है क्योंकि एक तो आज डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं था, प्लस जब आराम से चल रहे ना एक मूड सेट हो जाता है भाई, तो कल से ना आराम आराम से यू नो मूड सेट हो गया उस लेवल पे, मतलब 100 से नीचे रख के चलाने का, एक तो सेफ भी है, दूसरा एवरेज अच्छा रहा तो अच्छा भी लग रहा है, हाँ तेल कम डलवाना पड़ रहा है। बाकी नज़ारे देखो यार, क्या काले बादल भाई साहब, ऐसे हर हाईवे पे ना कोई अड्डा हो जाता है ना, देखो यहाँ पे कैफे कॉफी डे, अरे बरिस्ता नहीं था कैफे कॉफी डे था ये देखो, बट उसके बगल में स्टारबक्स भी, आते वक्त ना जब मुंबई से आए थे याद है हम यहीं पे रुके थे, KFC में खाया था हमने, अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किसकी कॉफी पीनी है, देखो स्टारबक्स पिएंगे आज भाई, स्टारबक्स पिएंगे, यहीं लगा ले क्या, आगे स्टारबक्स पे लगाओ ना, यहाँ पे लगाओ स्टारबक्स पे जगह है तो ठीक है, गाड़ी फॉर्च्यूनर वहीं पे लगती है, अच्छा वहीं लगाएंगे, वहीं सही बात है, सही बात। और ये जगह ना मेरे को दोनों भाइयों के वजह से पता है क्योंकि इन्होंने दिखाई थी, उसके जितनी बार भी हम जाते हैं ना इस हाईवे से यहीं पे रुकते हैं, मतलब यही एक अड्डा हमें पता चला जो रोड के इस साइड है, थोड़ा सा डिटोर लेना पड़ता है बट आ जाते हैं भाई। अब यहाँ से निकलते हैं सीधे, थोड़ा सा ना रोड के इस साइड जाना पड़ेगा अदरवाइज कट बहुत पीछे, तो ध्यान से इस साइड निकालेंगे जब कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही होंगी, बाकी बारिश भी स्टार्ट हो गई है हल्की फुल्की, तो स्टार्ट हो ही गई है, अब वेट करो ट्रक के जात पंगा नहीं लेंगे। ये देखो ये एक्सीडेंट कितना ज़्यादा गंदा हुआ है, पूरी ट्रक आगे से ना ठुक गई है यार, देखो दूसरी ट्रक, और रे यार बहुत ज़्यादा, देखो ये तो अंदर ही चली गई है ना पूरी, बहुत ज़्यादा गंदा भाई हाईवे पे, मैंने सोचा एक बार खिड़की खोल के आपको दिखाऊं, बहुत ज़्यादा। आई होप सब सेफ हो यार, बस माता रानी यही दुआ करे कि सब सेफ हो। तो बोला श्री अम्बे मात की, कौन फोन कर रहा है यार, नहीं नहीं मैम, थैंक यू मैम। भाई इतने फोन आते ना ऐसे, भाई परेशान हो जाता है यार आदमी, परेशान, सीरियसली परेशान, अब क्या ही बोला जाए यार, नहीं नहीं मैम करके तो मैं तो रख देता हूँ भाई। झमाझम बारिश हो रही है ना, झमाझम बारिश हो रही है, हाँ वाइपर अपना फुल तेजी पे चल रहा है, ये फुल तेज है वाइपर, इससे ज्यादा तेज नहीं होता फॉर्च्यूनर का, ऐसा नहीं कि भैया आगे बैठ के कोई आदमी बिठा दिया, लगा हाथ से साफ कर दे, यही तेज है भाई। क्या अब ये होती रही ना तो थोड़े देर पे ना रोड पे पूरा पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ। और कल इस गाड़ी को लेके हम क्रॉस कर रहे हैं रिवर, मतलब जहाँ पे हमें ले जाने का प्लान है ना वहाँ पे रिवर, बस इतनी ना हो कि रिवर में फ्लड टाइप का सिचुएशन हो जाए और हम वहाँ पे फंस जाए, मतलब भगवान ना करे कि ये सिचुएशन हो, ये हो कि भाई फुल एक्साइटमेंट आए बट गाड़ी को कुछ नहीं हो और अपन फुल इंजॉय करके आए। बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना ये आपको ऐसे, ये देखो
ये जो ट्रक है ना साइड में, इतना पानी उड़ाते ना कि सामने कुछ दिखता ही नहीं है। फिर आप इनफैक्ट कार भी, ये देखो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा ना। आपको दिख रहा है नर्मदा रिवर, तो जय मैया नर्मदा। और ये हम पहुंचने वाले बरूच। हाँ, ये नया ब्रिज है, मुझे याद है 2016 या 17 में मैं जा रहा था, ये ब्रिज बन रहा था भाई। यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लगता था ना इस हाईवे पे, पूरा भरा पड़ा रहता था। और देखो बनने की वजह से ना एकदम रपा रप गाड़ी जा रही है भाई, रपा रप जा रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई जाम नहीं। अब जाने के लिए दो ब्रिज है, एक ये हैवी व्हीकल्स के लिए और छोटे व्हीकल्स, गाड़ी थ्री व्हीलर टू व्हीलर उधर से चली जाती है, कार भी चली जाती है। मौसम का हिसाब किताब ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ अभी थोड़ी देर पहले तक ना क्या मस्त बारिश हो रही थी और रोड भी अच्छे थे, जाम नहीं था। अब जाम भी है और धूप भी है, कभी धूप कभी छांव कभी बारिश कभी जाम। अरे देखो ट्रक ने पूरा अंदर ही घुसेड़ दिया ना, I-20 के अंदर। हाँ इधर घुस रहा था पहले के, आप कमेंट करके बोलो कि भैया वो तो I-10 था, I-10 नहीं ऑस, मैंने गलती से I-20 बोल दिया, लेकिन करेक्ट था। फिर भी करोगे भैया, देखो मैंने पहले कमेंट कर दिया था, बाद में आपने ये बताया। भाई पता नहीं क्या हुआ, वो शायद कट ले रहा होगा, ट्रक वाले को ध्यान नहीं होगा। और वो आज दो तीन तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, बहुत गंदे गंदे एक्सीडेंट्स हुए हैं यार, बहुत ज़्यादा गंदे एक्सीडेंट। नेशनल हाईवे 48 को छोड़ के वापस अंदर घुस गए। और ये देखो सूरज देवता बादलों के पीछे से भी पूरा प्रकोप दे रहे हैं। और यहाँ से अपना डिस्टेंस ज़्यादा नहीं बचा है, बस 26 किलोमीटर और। एक कामरेज होके भी जा सकते थे, लेकिन कामरेज होके ना पूरा सिटी ट्रैवल करना पड़ता, यहाँ फिर भी ठीक है। मतलब सिटी का ट्रैफिक इस टाइम पे, पता कितना टाइम हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं, और आपको लग ही नहीं रहा होगा शाम के 6 बजे इतनी मस्त धूप वूप निकली पड़ी है। पर ठीक है, आँख में चोली चल रही है धूप से, धूप छाँव की आँख में चोली। हाँ बाकी यहाँ से पहुँच जाएंगे अपना होटल, यहाँ से 40 मिनट लगेंगे पहुँचने में। फाइनली पहुंच गए जी अपन अपने होटल पे। नहीं ये होटल नहीं है, अर्थ स्पेस अपना होटल नहीं है, बट इसी के अंदर अपना होटल है, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, ये सामने सिटी से थोड़ा सा बाहर है, ऐसा हमें लगा कि सिटी से थोड़ा सा बाहर है, बट ठीक है यार अपने को क्या ही करना है। यहाँ पे तो वैसे भी हमसे 2 दिन सामान रखने आए, घूमने तो हमने को बाहर ही जाना है, और ऐसी ऐसी जगह जाना है जो सिटी से बहुत बाहर है। हाँ लोग सोचते हैं कि सूरत में सिर्फ डायमंड मिलता है, अरे नहीं, सूरत में ताबड़ तोड़ ऑफ रोडिंग होती है, आपको पता नहीं है, हम आपको दिखाएंगे। नहीं और कुछ नहीं निकालना, बाहर बारिश से वो सिर्फ ऐसा ही है, बाहर निकलते नहीं है वो, बारिश आती है लॉर्ड, उसको क्या नाम है, लॉर्ड पुनीत, लाने वाले थे ना। कल पक्का सुबह 8 बजे निकलना है ना, 8 बजे निकल जाना है। सौरभ कौन उठता, कौन है सौरभ भाई का मुझे पता नहीं है, उठता तो कोई नहीं, उठाना पड़ता है। अपने को स्लश मिलेगा और माउंटेन मिलेगा, स्लिपरी माउंटेन, अरे स्लिपरी मतलब गाड़ी 4x4 में भी स्ट्रगल करेगी। अच्छा तो मजा आएगा, और हो सके तो ऊपर तक पहुंच तो जाएंगे कैसे भी करके। और उसके बाद वहाँ पे केव है, वहाँ पे 10 में से 7 बार लेपर्ड बैठा रहता है। क्या बात कर रहे हो। हाँ पर वहाँ तक हम लास्ट में गए थे, उतरे नहीं थे। अच्छा आपको लेके जाना है ना भैया, वो आपको लेके जाएगा। हाँ नहीं तो वो लेके जाएगा। भाई एक चीज़ सही है, इस होटल में अपने को ना यहाँ कॉफ़ी शॉप मिल गया, यहाँ से भकोस सकते हैं, कॉफ़ी उठा सकते हैं ट्रिप पे जाने के पहले। अरे इधर कहाँ जा रहे भाई, हमें तो उधर जाना है। वेलकम फ्रॉम सुभान। अच्छा भाई का मैंने कहा भाई सुभान के रूम में तो नहीं आ गए मुझे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ से ना, बगल में एक बीच है, क्या नाम है भाई बीच का? डुमस बीच। डुमस हॉन्टेड बीच है। हाँ भाई खतरनाक बीच है, तो वहाँ पे भूत का अलग शौक चलता है, रहते हैं वहाँ पे। हाँ बहुत खतरनाक बीच है, इंसानों वाला वहाँ पे इंसान ज्यादा जाते हैं रात के टाइम पे ज्यादा, तो हम जा रहे हैं वहीं पे। पहले तो एक एक्चुअली कुछ खाएंगे, तो अभी अपन ऑफ रोडिंग का जो प्लान बना रहे थे ना कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है, कौन कौन सी गाड़ियाँ जाएंगी, वो सारा चीज अभिनव भाई डिसाइड कर रहे हैं। वाली थार जाएगी कल अपने साथ? कल आएगी नहीं। अच्छा मेरी थार नहीं है ना कल। अच्छा ऐसा है, अच्छा ये मेन थार है भाई। ये आ गया यहाँ पे टाइटैनिक, ये टाइटैनिक वाली बिल्डिंग है,
इधर ही लास्ट टाइम जब मैं आता हूँ ना तो इधर ही रुका था मैं, मुझे याद आ गया, एयरपोर्ट का एरिया ना अजनो भाई, एयरपोर्ट रोड भाई, एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड पे खुला हुआ था तब, इनोवा और अर्टिगा वगैरह फंस जाती थी पानी में। हाँ हाँ, और अंदर चली जाती थी, फिर पानी के अंदर, समुद्र के अंदर पार करके वो खाने पीने चले जाते थे। और फिर जब भर्ती वगैरह आती थी समुद्र की, तो फिर वो खींच के ले जाती थी, अचानक बढ़ जाता था पानी, वैसा सब होता था। हाँ। तो फिर सूरत वालों ने अभी वहाँ पे जाना ही अलाउड बंद कर दिया। अच्छा, वहाँ तक गाड़ी नहीं ले जा सकते। हाँ। आदमी डूब जाए तो चलेगा, आदमी मर जाए कोई टेंशन नहीं, गाड़ी नहीं डूबनी चाहिए, पैदा हो जाएगा। हाँ। अच्छा, वो टोयोटा वाला वही वीडियो है क्या जो पानी चली जाती है फिर आ जाती है? पहले भाई बता रहे थे कि यहाँ गाड़ी जाती है, अब सिर्फ इंसान जाते हैं। गाड़ी पानी के साथ अंदर चली जाती थी ना, तो यहाँ मना किया गया, उससे वाटर लेवल बढ़ रहा था, सूरत तक पानी आने का चांसेस हो गया था, बहुत सारी गाड़ी डूबी थी। ठीक है, तो अब इंसान जाते हैं। और यहाँ पे ना भजिया बहुत फेमस है। हाँ, यही है। अच्छा, मैं कह ही रहा था कि यहाँ पे भजिया बहुत फेमस है भाई, ये तगड़ा चीज़ है यार भाई, ताबड़तोड़ नहीं, सब चलता है। हाँ, ये ना ताबड़तोड़ तरीके से टमाटर के, प्याज के, याम के, आलू बोंडा सब मिक्स हमने ले लिया है, अब यहाँ पे खाएंगे। और देखो इधर मतलब डायनासोर भी मिल जाते हैं। ये तार वार टूटी हुई थी, अरे ये बिजली होता तो क्या होता? नहीं नहीं, बिजली का तार नहीं था, इंटरनेट का तार। हाँ, बिजली का रहता तो भाई पता चल जाता क्या होता। मैं तो वाला है नहीं। यहाँ आपको सब जानवर देखने के मिल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी प्लानिंग में फेल हो गए, बट ठीक है, मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ तो आगे शायद गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। दिस इज द लास्ट पॉइंट, वो बताया ना कि लोग पहले बीच पे गाड़ी लगाते थे, फिर समुद्र के बीच में चले जाते थे, तो आगे तो पिलर विलर लगा हुआ है, तो यहीं से गाड़ी यू टर्न मार लेते हैं भाई। 7 बजे ये बीच ही बंद हो जाता है, तो अब तो यहाँ से कुछ नहीं, बस यहाँ से मुंह लटका के वापस चलो होटल पे। होटल चलना ना। चलो भैया होटल चलते हैं, होटल ही वापस जाएंगे। हाँ ना भाई, अपनी गाड़ी तो लगा दी हमने पीछे, ठीक है, वैले वैले में क्या देते, अब जाते ऊपर, करते एडिटिंग और कर देते इस ब्लॉग को खत्म। बाकी अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप चैनल पे, नहीं तो डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, टिल देन पीस। और कल का ब्लॉग होगा ताबड़तोड़।